आज के इस वीडियो में हम कल्पित माध्य विधि द्वारा, ठीक है, कैसे माध्य निकाला जाता है किसी आंकड़े का, वो मैं हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, माध्य निकालने के तीन विधि हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पगोजन विधि। अगर किसी विधि का उल्लेख किया जाता है तो आपको उसी विधि से ही करना है, किसी और विधि से नहीं करना है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, तो आपको कल्पित माध्य विधि ही द्वारा ही ज्ञात करना है। कल्पित माध्य विधि द्वारा जो माध्य निकालने का सूत्र होता है वो मैं पहले लिख देता हूँ। माध्य एक्स बार बराबर जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, सो इसमें ये हमारा सूत्र होगा। इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, सूत्रों को तो भैया याद करना ही पड़ता है। ये हमारा सूत्र है, यहाँ ए क्या है, बात आ रही है ए क्या है, तो यही होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य इसी के द्वारा सारा कुछ होगा, कैसे होगा वो अभी आपको पता चल जाएगा, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, ए हमारा कल्पित माध्य होता है। एफ आप सिग्मा एफ क्या होता है, डी एक चीज़ आई है, डी का देखो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, ए आपका कल्पित माध्य है। आप इससे पहले मैंने प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालना आपको सिखा ही रखा है पहले से ही, है ना। सो देखो आपको आंकड़ा दे रखा होगा, ये वर्गंतराल दे रखा है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है बच्चों, वर्गंतराल पर ध्यान लगाओ, 10 से 25 है, 25 से 40 है, जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, 40 पे ख़त्म हुआ 40 शुरू हुआ, यानी कि वो सही है हमारा। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं, 14.2 प्रश्नावली जब हम करेंगे तो हम ऐसे प्रश्नावली भी, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, तो पहले उसको सही बनाना पड़ेगा, फिर जाके आप आगे हल करोगे। तो अगर वैसे क्वेश्चन आपको करने हैं तो 14.2 में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपको वर्गंतराल दे रखे हैं और उसकी संख्या दे रखी, यानी कि 10 से 25 के बीच 2 हैं, 25 से 40 के बीच 3 हैं, 40 से 55 के बीच 7 हैं, 55 से 70 के बीच 6 हैं, 70 से 85 के बीच 6 हैं और 85 से 100 के बीच 6 हैं। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हमें निकालना होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने, देखो सब में 15-15 का अंतर है ना। तो वर्ग चिन्ह निकालने का पहला क्या, पहले वाला क्या करूँ, दोनों को जोड़ो, 10 और 25 को जोड़ो और आधा कर दो, तो ये हो गया 35 बट्टे 2, 2 से भागा दोगे, 2 एक कम 2, 2 सत्तर 14, 2 पंजे 10, 17.5। ठीक है, तो पहला कितना हो जाएगा, 17.5। बाकी इसमें भी आप वही कर सकते हो, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, परंतु अगर सब में अंतर बराबर हो, सब में 15-15 का अंतर है, आप फिर 15-15 जोड़ते जाओ, 17.5 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32.5, 32.5 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47.5, 47.5 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62.5, इसमें जब हम 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77.5। ठीक है, और 77.5 में जब 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 92.5। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भी पॉइंट पे बच्चों कोई भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लें, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा। आगे होगा यहाँ तक। अब आपका मेन यहाँ से डी आया है ना, जो विधि है उसमें कितने कॉलम बनेंगे ये भी देखना, 1, 2, 3, 4, 5। ये चीज़ तो तीनों हर में होता ही है, ये तीन चीज़ हर एक चीज़ में होगा, ये चीज़ बदलेगी। इसमें नया क्या आया है, डी ये वाला कॉलम और फिर एफ डी। ठीक है, ये चीज़ नहीं है। तो ए निकालने का टेक्निक क्या है, ए निकालने का टेक्निक क्या है कि जितने पद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 n बाई टू। ठीक है, n बाई टू पद, ये सूत्र तब लगाना, देखो n बाई टू, यहाँ n कितना है, यहाँ n कितना है 6 है, 6/2 यानी कि तीसरा पद x में, कहाँ देखना है हमें, x में देखना है। अगर सपोज़ करो यहाँ पर 7/2 आ जाता है, यानी कि 3.5 आता, तो 3.5 को हम क्या लिखते हैं, एक आधा बढ़ा कर चौथा पद लिखते हैं। ठीक है, कहाँ ढूंढते हैं हम, एक्स में। मैं आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ बारीकी से, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा लें, एक कैसे निकालें। ठीक है, अगर एन सम है तो देखो पूरा पूरा जो तीसरा पद आ रहा है वही लेना है, अगर विषम हो 3.5 आए तो आप चौथा बदलो, 4.5 आए तो 5वां बदलो, 6.5 आए तो 7वां बदलो, समझ में आई बात। तो ये आ गया, ए हमारे पास कितना हो गया, माना तीसरा पद ना, तो माना हालांकि निकाला है आपने लेकिन लिखना पड़ता है माना, तीसरा पद
ठीक है, ये जो बटा है ये हमारा ए हो गया, माना ए 47.5 कल्पित माध्य है, ऐसे लिख देना। निकाला है आपने कैलकुलेशन से, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको माना, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक्स में से ए को घटाना, 17.5 में से, 17.5 में से आपको घटाना है 47.5। 47 में ये 5 में से 5 गया 0, 7 में 7 गया 0, 4 में से 1 गया 3, माइनस का 30 बचा, कितना बचा, माइनस के 30, ठीक है। अब 32.5 में से फिर से 47.5 घटाओगे तो, और एक टेक्निक क्या है, क्योंकि 15-15 का अंतर है ना, तो 15-15 कम करते रहो, ठीक है। माइनस 30 के बाद यहाँ हो जाएगा माइनस के 15, मतलब 15 हम जोड़ रहे हैं, फिर 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, चेक भी कर सकते हो। फिर 15 जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 30, और यहाँ हो जाएगा 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें गुणा करना है, ये हमें डी मिल चुका है और ये हमें एफ पता है, 30 दुनी माइनस के 60, 15 तिया माइनस के 45, 7 गुणा 0 0, 15 छक्का 90, 3 छंग 18 180, ठीक है, 45 छंग 270, ठीक है। आपने यहाँ तक देख लिया। अब देखिए बच्चों, ये प्लस का है और ये माइनस का है ना, प्लस वाले को अलग जोड़ लो, प्लस वाले को जब अलग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0। हाँ देखो, 8 और 7 15 15, और ये हो जाएगा 24, ठीक है, 15 और 9 24, हासिल लगा 2 2 2 4 और 1 5, 540 50 का प्लस का, और ये माइनस वाला घटाना है, कितना है, 5 6 4 10, ठीक है, 105 घटा दो तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है, हासिल दिया था उसने कि यहाँ 3 बचा, यहाँ 1 435। तो जो सिग्मा एफ डी है वो कितना आ गया, 435, ठीक है, सिग्मा एफ डी 435। और फिर हमें सिग्मा एफ बी चाहिए, मतलब इन सबको योगफल करो, इन सबको जोड़ो, तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब कुछ हो गया होगा। अब बस हमें सूत्र में रख देना सभी मानों को, ठीक है। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः जो कल्पित माध्य सूत्र क्या होता है, एक्स एक्स बार बराबर ए सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, ठीक है, मान रखेंगे, ए का मान हमारे पास क्या है, 47.5, ठीक है, सिग्मा एफ डी कितना आया था, 435, ठीक है, और सिग्मा एफ कितना आया था, 30, तो ये रखेंगे यहाँ पर हम 435, और ये हो जाएगा बच्चों 30, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले हल कर लेंगे इसको, देखो भाग देते हैं इसको, किससे भाग देते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 छंग 30, 5 8 40, 5 7 35, 6 से काटोगे तो ये जाएगा, ठीक है, 6 कम 6 14.5, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है बच्चों, 47.5 + 14.5, जोड़ना आता ही होगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 4 और 7 11 और 1 12, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 62। तो किसी भी विधि से निकालो, इसी क्वेश्चन को अगर तुम किसी दूसरी विधि से निकालोगे ना, तब भी आंसर तुम्हारा 62 ही आएगा, तो तुम विधि तुम्हारी अलग अलग हो लेकिन आंसर एक ही आएगा, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, उनको ज़रूर देख लेना, ठीक है।